जी अस्सलाम वालेकुम। टुडे जो लेक्चर अबाउट दिस थ्योरम 1+1/n रेज टू पावर एन लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। यहाँ लास्ट टाइम हम एक वर्ड यूज कर रहे थे अप्रोचेस का, इसका मतलब है कि लिमिट जो है वो इन्फिनिटी के नियर है, इक्वल नहीं है। जो यहाँ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है ये रिप्रेजेंट करता है कि इसके इक्वल वैल्यू है, नियर वैल्यू है, नॉट इक्वल, क्योंकि इक्वल और अप्रोचेस में बहुत फर्क होता है। यहाँ 1+1/n raised to power n is equal to e है, which is equal to 2.71 के बराबर है। ये आपका प्रूव है, थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये वाला। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर 1+1/n raised to power n, 1+n 1/n, n -1/2 factorial, इसी तरह n -1, n -1, n -2/3 factorial, 1/n³+2। आप देखेंगे ये जो फार्मूला मैंने यहाँ इंप्लीमेंट किया है ये बायनोमियल थ्योरम है, जिसको हम n ग्रेटर देन 1 पढ़ते हैं। ये होता है 1+nx, n·(n-1)/2 factorial x², इसी तरह n·(n-1)/n·(n-2)/3 factorial x³+2। ये जो मेथड आपके पास है ये रिप्रेजेंट करता है बाइनोमियल थ्योरम वेयर n इज ग्रेटर देन 1। यहाँ आपके पास यही इसकी लेफ्ट हैंड साइड मैंने बाइनोमियल के तौर पे बाइनोमियल थ्योरम इसको इंप्लीमेंट कर दिया। यहाँ आंसर 1+n से n कैंसिल, 1 और n²-n/2 factorial बराबर होता है 2 के। जो 2 फैक्टोरियल है वह 2 के बराबर होता है। इस तरह अगर 3 फैक्टोरियल लेंगे 3, 2, 1 होगा, एक वैल्यू रिड्यूस होगी, चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर, तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे बराबर 6 के होगा। 1/n²+n·(n-1)/6, इसी तरह n·(n²+2)। फॉर्म बनानी होगी आपको इसके लिए, तो उस फॉर्म के लिए देखें सबसे पहले n²(n·2n²) इसको सॉल्व करेंगे आप। यही वैल्यू आपके पास n²(n·n²) और वैल्यू 6 n·(2) और n, यहाँ 3 थी पावर, 2 और 1 3, अलग अलग कर लिए इसको। इसको अलग करने का मकसद है वो आप जरा देखिएगा, यहाँ n²/2n², n/2n², सिमिलरली n²/6n², n/6n², n/n, 2/n, plus so on। ये होगा 1+1, 1/2, -3, ये कैंसल इससे, ये इससे कैंसल हो जाएगा, यहाँ 1/2n होगा, प्लस ये वाली वैल्यू कैंसल 1/6, तो 1/6n, और इसी तरह मल्टीप्लाई, ठीक है। इसमें ये दोनों वैल्यूज चूँकि इकट्ठी हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसमें डॉट ही रखें आप, 1 -3, 2/n, plus so on। यहाँ होगा आपके पास 1+1, 1/2 कॉमन, 1 -1/n, 1/6 कॉमन, 1 -1/n, 1 -2/n, plus so on। ये होगा 1+1/n। आप इसके लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेंगे, सिमिलरली आप लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेंगे दोनों साइडों में। तो यहाँ होगा 1+1, 1/2, 1 -1/∞, 1/6, 1 -1/∞, 1 -2/∞, plus so on। ठीक है, हेयर एक चीज कॉमन है, इफ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n अप्रोचेस टू 0, क्योंकि आपके पास 1/∞ जो है वो 0 के अप्रोच होता है। तो इधर आपके पास 1+1/n लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1+1, +1/2, +1/6, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करते जाएं क्योंकि ये वैल्यू जब इससे मल्टीप्लाई होगी 1/6 होगा। सिमिलरली 1/∞ ये हो जाएगा 0, यहाँ पर 2/∞ ये भी 0 हो जाएगा, 1/∞ ये भी 0 हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ प्लस सो ऑन ये रकम चलती जाएगी। इसका मतलब है 2, 1/2, 1/6 ये फॉर्म, तो हम इसे 2.71 ये लिख सकते हैं, ये इसका प्रूफ है। ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसमें जितनी भी फॉर्म्स दी गई हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर कुछ थ्योरम्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका. फर्स्ट ऑफ ऑल 1+1/n^n e इसका बेसिक और बहुत ज्यादा यूज होने वाला थ्योरम है. इसमें e जो है वो 2.71 के बराबर है. जब भी आप इसे हल करते हैं तो इसके सॉल्यूशन मेथड के वेज हैं. इन वेज के अंदर आप चेक कीजिएगा कि आपके पास ये जितना भी मेथड है या मेथडोलॉजी यहाँ यूज की हुई है मैंने, इसमें बाइनोमियल थ्योरम को यहाँ पर मैंने इंप्लीमेंट किया. ये जो बाइनोमियल थ्योरम है ये 1/n x और रेज टू पावर n है. आप इसको ये बाइनोमियल थ्योरम 3 तक, इसको 3 तक लगाया जा सकता है, 4 तक लगाया जा सकता है, ये आपकी चॉइस है. आप 3 तक इसे इस फॉर्म में ओपन करेंगे कि आपके पास तरतीब से 1/1/n, 1/1/n, 1/2/n ये वाली फॉर्म सो ऑन चलती जाएगी. देन लिमिट लेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. जब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेंगे तो 1/∞ जीरो हो जाएगा. इसका मतलब है n इन्फिनिटी तो 1/n जीरो के बराबर. तो 1, 1, 1/2, 1/6 सो ऑन ये हो जाएगा 2+ सो ऑन 2.71. तो e यहाँ पर आपके पास स्टैंडर्ड वैल्यू 2.71 के बराबर होगी. इसके कुछ प्रूफ होंगे लेक्चर्स आपके सेकंड ईयर के चैप्टर 1 पे प्रूफ्स के हिसाब से ज़रा स्लो होंगे क्योंकि एक एक प्रूफ करेंगे, एक एक उसका क्वेश्चन होगा साथ. तो आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट लेक्चर आपका इससे क्वेश्चन से रिलेटेड होगा जितने भी आपके नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे. तो आप इसे कवर करेंगे इसको अच्छे तरीके से. नेक्स्ट लेक्चर जो है मैं इसकी एक्सरसाइज पर लेकर आऊँगा. थैंक यू वेरी मच.